हेलो, दिस इज वलीद रौफ। तो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का फर्स्ट ओडीआई चल रहा है। एक इनिंग्स हो चुकी हुई है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी बंदे ने आपके भाई के ऊपर कोई एलिगेशन लगाई है फेक वीडियोस की। कुछ उसने वीडियो बनाई, मैंने तो गौर से देखा भी नहीं, लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह आए हुए थे, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के एंड पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन सब कुछ कर दूं। तो आपने इस वीडियो को एंड जरूर देखना, अगर तो आपने उनकी वीडियो देख ली हुई है तो। मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर वीडियो देखिए तो आप जरूर जिसको कह सकते हैं एंड पे मेरा जिसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनिएगा। लेकिन अभी बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के, जिसको कह सकते हैं फर्स्ट ओडीआई की। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। इंडिया भी चाहता था कि चेस करे क्योंकि बारिश का इम्कान था, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं। बात करेंगे, इंडिया ने 308 रन का जिसको कह सकते हैं बोर्ड पे लगा दिया। 309 रन वेस्ट इंडीज को करने हैं। 300 प्लस रन जो होते हैं वो काफी अच्छे रन होते हैं, और जितनी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की इंडिया के ओपनर्स ने। शेखर धवन जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे इंग्लैंड के अंदर, लेकिन उनका कमबैक हुआ। जैसे कि आपने देखा, जब आप छोटी टीम के खिलाफ खेलो तो आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। यही मैं कह रहा था कि विराट कोहली को भी आप चांस देते वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो विराट कोहली भी अपनी फॉर्म में वापस आ जाता, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं फॉर्म में वापस आने के। तो शेखर धवन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद शुभमन गिल ने अच्छा खेला, रन आउट हो गए अनलकीली बेचारा। लेकिन शेखर धवन भी अनलकी रहे, 97 पे आउट हो गए, उनको भी कह सकते सेंचुरी बनती थी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, हालांकि 300 प्लस रन हो गए। मैं समझा था कि 350 प्लस रन इंडिया कर जाएगा एंड पे आके, जिसको कह सकते हैं मिडिल ऑर्डर में इनको ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की कमी फील हुई है। लेकिन फिर भी बड़े ज्यादा रन है वेस्ट इंडीज की टीम को देखें तो, एक दो नाम अगर उनको आउट कर लिया तो इसको कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ये वाला मैच आराम से जीत जाएगी। और इंडिया ही इस मैच में फेवरेट है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है जिसको देखा जाए वेस्ट इंडीज से कंपेयर किया जाए। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी बनेगी, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे आके रन को रोका था, विकेट्स ले ली, 7 आउट उन्होंने भी कर दिए। तो उसका मतलब है वेस्ट इंडीज की भी टीम ऐसे ऐसा ग्रूम हो रही है। लेकिन मजा बताओ इंडिया के मैचेस का क्यों आता है, वो इस वजह से आता है कि जो इंडिया है ना, वो अगर छोटी टीम से भी खेलने जा रही है तो वो लेवल कर देती, मतलब कि वो मेन प्लेयर्स को नहीं लेके जाते, वो उनके लेवल की टीम को लेके जाते हैं। इसलिए ये होता है कि मैच देखने का मजा आ जाता है, क्योंकि लेवल की टीम होती है। हाँ, अगर इंडिया अपनी प्रॉपर टीम ले जाता तो फिर तो सबको पता होता इंडिया जीत जाएगी, लेकिन वो उस लेवल की टीम लेके जाते हैं ताकि सामने वाले को भी खुशी हो। हालांकि उनके वेस्ट इंडीज के कोच ने कहा कि हम मिस कर रहे हैं विराट कोहली को, क्योंकि उनको आना चाहिए था ताकि हमारे बॉलर्स को एक्सपीरियंस हो कोहली को बॉल करने का। अब बात करते हैं कि भाई आपके ऊपर जिसको कह सकते हैं किसी ने आपके भाई के ऊपर एक एलिगेशन लगाया। वैसे तो यकीन मानो कि मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे क्रिटिसाइज करता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अच्छी बात है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, और मैं हमेशा इस चीज को पॉजिटिव सेंस में लेता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने मेरे ऊपर जिसको कह सकते हैं क्रिटिसिज्म किया है, तो मैंने जिसको कह सकते हैं, वैसे तो मैं वीडियोस देखता नहीं किसी की भी, लेकिन किसी की मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आ गए, मैंने कमेंट्स में देखा, तो मैंने कहा क्यों ना इस वीडियो को देख लें। तो मैंने पूरी वीडियो देखी, उसमें कोई जिसको कह सकते हैं खास बात नहीं थी, ये तो हर कोई करता रहता है जिसको कह सकते हैं। अब आपको पता ही है कि व्यूज का चक्कर होता है, सब कुछ किसी का भी नाम लेके यूज कर लो। लेकिन एक बात मुझे जिसको कह सकते हैं अच्छी लगी उनकी, जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि इन भाई ने जिसको कह सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था उसके बाद 30 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड कर दिया, पब्लिक रिएक्शन कैसे कर दिया। उन्होंने बड़ी डिटेल बताई, आजादी चौक से लिबर्टी का इतना रास्ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूं, मुझे तो हंसी आ रही थी देखते हुए भी, लेकिन मुझे उनका पॉइंट अच्छा लगा कि उन्होंने इसको कह सकते हैं एक क्वेश्चन रेस किया। ये क्वेश्चन मैं भी चाहता था लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अब तो जमाना फास्ट हो गया, क्यों ना क्यों बता दिया जाए। अच्छा हुआ उन्होंने क्वेश्चन रेस किया, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने क्वेश्चन रेस किया, करने चाहिए लोगों को, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपको लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं यार, आजादी चौक की जहां तक बात है तो मैं तो रहता ही वहां पे हूं आजादी चौक, तो मुझे क्या मसला आजादी चौक जाने का, एक गली क्रॉस करो तो आजादी चौक आ जाता है। अब बात यह थी कि वलीद ने कैसे 30 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 30 मिनट नहीं थे, वो 45 मिनट थे, क्योंकि जो पहली वीडियो थी वो प्रीमियर हो रही थी। उसके अलावा जो बात की जाए, ऋषभ पंत जब खेल रहा था, जब इंडिया के 30 रन रह गए थे, सबको पता चल गया था इंडिया जीत चुकी हुई है, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन भी शूट करना होता है तो जल्दी निकलना पड़ता है। आप भी जानते हैं, आपका भी जिसको कह सकते हैं चैनल, आपको पता होगा इस बारे में। रही बात जिसको कह सकते हैं इतनी जल्दी कैसे वीडियो अपलोड हो जाती है, यार मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताऊंगा। आप सब जानते हैं जब न्यूज चैनल की क्या सबसे पहली अप्रोच होती है, कि सबसे पहले जो कंटेंट है, सबसे पहले जो न्यूज है, वो हमारा न्यूज चैनल अपलोड करे, लोगों तक पहुंचाए। इसी तरह से जो कहते हैं ना यूट्यूबर्स, और स्पेशली मेरी भी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो लेकर आऊं एज सून एज पॉसिबल, ताकि मेरे व्यूवर्स को कंटेंट मिले, क्योंकि जैसे ही मैच खत्म होता है लोगों की कोशिश होती है वीडियो देखने की। रही बात उस वीडियो की, तो मैं आपको बता देता हूं आजादी चौक से लिबर्टी का जो उन्होंने रस्सा बताया,
वो उनके मैप के लिहाज से सही होगा, लेकिन अगर वो ये भी मेंशन कर देते कि वो कौन सा दिन है तो ज्यादा अच्छा होता। संडे का दिन था, ऊपर से लाहौर में इलेक्शन हो रहे थे, इसका मतलब कि सारे रोड जो थे वो खाली पड़े, तो लोग घरों में बैठे होते। हाँ, जहां रश था तो वो पीटीए के दफ्तर वगैरह में ही होना था, क्योंकि पंजाब जिसको कह सकते हैं इमरान खान ने इलेक्शन जीते। अब क्योंकि मैंने भी लिबर्टी जाना था, क्योंकि रात को 12 बजे से कह सकते हैं, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि मैं सेलिब्रेशन कर रहा था इमरान खान का, जिसको कहते हैं जश्न था वहां पे, तो मैंने लिबर्टी ही जाना था। तो रही बात उस वीडियो की, तो यार इतनी खाली रोड के ऊपर बंदे को कितना टाइम लग जाता है, हद 15 मिनट, 15 भी लगा लो तो 20 मिनट लग जाते हैं। 3 बंदों का मेरा इंटरव्यू, 3 बंदों को इंटरव्यू शूट करने में कितना टाइम लग जाता होता है ये भी मुझे बता दो। इसके अलावा बात की एडिटिंग की, तो मेरी तो एडिटिंग ही सिंपल सी होती, मैं तो एडिटिंग करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वीडियोस को आपस में मर्ज कर देता होता हूँ। मेरे पास, मैं आपको सिंपल बात बता दूं, मेरे पास एक प्रॉपर टीम है, मेरा कैमरामैन है, मेरे पास एक एडिटर है जो पूरी मेरी जिसको कह सकते हैं वीडियोस को उसी टाइम पे एडिट करते हैं, क्योंकि मैंने वहां जिसको कह सकते हैं जश्न भी मनाना था, इस वजह से मैं प्रॉपर टीम लेके गया था। मैं रात को 3 बजे वहां से वापस आया हूं, क्योंकि मैं वहीं ही था, तो मैंने वहीं से ही वीडियो अपलोड की थी। जो आपको लग रहा है ना कि मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं, मेरा काम बनता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं पूरा, ताकि मेरे व्यूवर्स को भी पता चल जाए। तो मेरा तो इसको कह सकते हैं, रही बात इंटरनेट की, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, इंटरनेट की जहां तक बात है, तो अब तो इतना तेज इंटरनेट आ गया कि 1 GB की वीडियो भी 2 से 3 मिनट लेती है अपलोड होने में। तो इन बातों को छोड़ दीजिए, और रही बात आपकी, तो मतलब कि यकीन मानो कि क्रिटिसिज्म लेने का बड़ा मजा आता है, लेकिन क्रिटिसिज्म वो करे जिसको, जो खुद से पाक और साफ हो। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, आप जोर कहते हैं गौर से सुनिएगा। अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपने आप को भी साफ करना चाहिए। 1-2 वीडियोस आपने सुबह अपलोड कर दी, लेकिन अगर मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बताऊं तो 8 से 10 वीडियोस तो आपकी भी, जिसको कह सकते हैं मैच के फौरन 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई, आप इस साइट पे देख भी सकते हैं, तो आप भी बेहतर जानते हैं कि कैसे अपलोड होती है। तो ऐसे किसी पे क्वेश्चन रेस नहीं करने चाहिए। और रही बात जो कह सकते हैं, हर किसी की अपनी मेहनत होती है, आप भी मेहनत करके जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करते हो, मैं भी मेहनत करके जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करता हूं। तो ऐसे किसी को कहते हैं ना, किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूं। रही बात जिसको कह सकते हैं, मुझे इनकी वीडियो अच्छी लगी, मैंने आपको बता दिया, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी, हालांकि मैं देता नहीं हूं। अब इन भाई के बारे में मैं कुछ बता दूं, उन्होंने पहले भी मुझे क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मैंने लेट गो कर दिया था। उसके अगले ही दिन उन्होंने खुद ही वीडियो को डिलीट कर दिया था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इनको कमेंट्स के अंदर काफी बुरा भला कहा था, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि छोड़ दो बात को, बात गुजरी, मैं किसी चीज को सीरियस लेता ही नहीं हूं, क्योंकि जो भी होता है हर एक को जिसको कह सकते हैं कुछ ना कुछ करना होता है। रही बात अगर ये अपनी वीडियो में ये ना कहते कि आप मेरी वीडियोस को देखा करें, मेरी वीडियोस बड़ी अच्छी होती है, इनकी वीडियोस को ना देखा करें, तो इससे साफ पता चल गया कि आप खुद व्यूज लेना चाह रहे हो, मतलब कि आप लोगों को कह रहे हो आपकी वीडियोस देखो, दूसरों की ना देखो, तो मतलब कि सारा आप जिसको कहते हैं ना बाबू भैया व्यूज का चक्कर है, वही सब कुछ हो रहा है। और तीसरी बात ये कि आपका क्रिकेट का चैनल, अब आप जिसको कह सकते हैं मुझे एक्सपोज करो तो समझ आती है, लेकिन आप अगले ही दिन जिसको कह सकते हैं रिबाहा इमरान को एक्सपोज कर रहे हो, इसका मतलब है अगले दिन आप किसी और को एक्सपोज करोगे। तो साफ पता चल रहा है कि आप जिसको कह सकते हैं इस चीज में आ गए हो, और जो ये चीज करते हैं उनका पता होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ही कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं जी, मुझे बिल्कुल यकीन मानो मुझे कोई शौक नहीं है आके जिसको कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन देने का, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दे रहा हूं क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो है ना, मुझे अपने व्यूवर्स से बहुत प्यार है, और मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाए कि वलीद भाई ने उनके साथ धोखा वगैरह किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, और मैंने हमेशा से कहा है मेरी वीडियो एज सून एज पॉसिबल अपलोड हुआ करेगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, कोड प्रूफ आपको दे देता हूं। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सीरीज चली थी T20 की, उस दौरान मैं बाहर था, और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि मेरे कैमरामैन सामने खड़े हैं, हम जल्दी से वीडियो को कह सकते हैं, एडिटर भी सामने खड़े, हम जल्दी से जिसको कह सकते हैं वीडियो को फौरन अपलोड करके आपकी खिदमत में पेश करके। इस वीडियो के अंदर मैंने उसको भी बताया था कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ होती है, जैसे जब भी हम पब्लिक रिलेशन को शूट करने जाते हैं, क्योंकि पब्लिक रिलेशन का ये होता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, तो एज सून एज पॉसिबल कर दो तो इतना ही जल्दी जिसको कह सकते हैं मजा आ जाता है वीडियो का। तो होप से मुझे कोई इशू नहीं है, जिसका जो दिल करता है जिसको कह सकते हैं करे, जिसने क्रिटिसिज्म करना है करे। हाँ, अगर आप मेरे प्यारे भाई, अगर आप एक्सपोज की जगह जिसको कह सकते हैं क्वेश्चन मुझसे पूछते तो मैं जरूर जिसको कह सकते हैं बड़ी खुशी होती है, लेकिन आपने जिसको कह सकते हैं क्लिक बेट किया, आपने जिसको कह सकते हैं एक्सपोज का जिसको कह सकते हैं वर्ड यूज करके अट्रैक्शन खेली है, तो मतलब कि अब ये चीजें फिर लोग समझते हैं, बेहतर जानते होते हैं, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। आप मेरे ऊपर 10 से 20 वीडियोस बनाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, आपका दिल है, आपका चैनल, आप जो मर्जी करें, लेकिन मेरा बनता था मैं अपने व्यूवर्स को जवाब देता, तो मैंने जवाब दे दिया। रही बात इस मैच की, तो मेरी नजर में इंडिया फेवरेट है, होप सो कि इंडिया ये वाला मैच जीत जाए। अगर इंडिया जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल गया, तो चांस है कि वेस्ट इंडीज भी ये वाला मैच जीत जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है। सुबह के टाइम पे वीडियो आएगी, क्योंकि रात हो चुकी हुई है, लेट नहीं तो अपलोड करेंगे नहीं, इंशाल्लाह सुबह 7 बजे जरूर अपलोड करेंगे। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।